माता ये भी अगर किचन में रख दो, यहाँ फोन भी रखते हो, खाना खाने बैठने से पहले पढ़ो, खाना खा लो, सवेरे भी, दिन में भी, शाम को भी। माता मुझे लगता दो दफा खाना खाते होंगे, रात को नहीं खाते, खाते हो? हाँ, शरीर को खिलाते हो, आत्मा को नहीं खिलाते हो। खाना खाना है, शरीर को खिलाना है तो याद होना चाहिए। अरे मुरली बाबा ने याद नहीं है, पढ़ो खाना खा लो, इसमें कोई तकलीफ है? किसी को तकलीफ है तो बताओ। हाँ, तीन दफा कम से कम, आज की एक शब्द दो भी नहीं चाहिए जो आपको अच्छा लगा। अगर ऐसे रोज नहीं, आठ दिन करो, बस आठ दिन करो, आदत बनेगी। ये आठ दिन अगर आप सवेरे शाम मध्याह्न दिन में शाम को तीन दफा मुरली के पॉइंट अपने आप को पढ़ाते हो, पहले लिख के रखा, अपने आप को तीन दफा पढ़ाया, फिर और एक काम करना चाहिए, सारा दिन में कोई भी मिला किसी न किसी को आज की मुरली के पॉइंट पढ़ के बताओ। अगर याद है तो बता दो, नहीं है इनको देखा ओम शांति करके छोड़ना नहीं। भाई जी देख लो, एक मिनट ठहरना, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। अगर दो तीन व्यक्तियों को आज की मुरली के पॉइंट सुनाते हो, देखना आपके अंदर संस्कार बनते हैं। ये 50 जन्मों तक आपके अंदर संस्कार रहेगा, और क्रोध अपने आप नहीं जाएगा। देखो सिर दर्द आता है, बैठ के बताओ सिर दर्द चले जाओ, सिर दर्द चले जाओ जाएगा, 100 दफा बताओ सिर दर्द चले जाओ जाएगा, दवाई लेनी है। तो हमारा अगर आप क्रोध को मिटाना चाहते हो, एक मुरली के पॉइंट अपने आप को सुनाओ तीन दफा, और लिख के रखो, और सवेरे दिन में शाम को किसी न किसी को आज के मुरली के पॉइंट पढ़ के सुनाना चाहिए। ये तीन काम अगर आठ दिन करते हो, देखो क्रोध आपको छोड़ के अपने आप जाएगा। नहीं तो क्रोध अपने आप जाने, विकार अपने आप जाने वाले नहीं है। इसको मिटाने के लिए ये दवाई चाहिए, ये दवाई, इसको मुरली के पॉइंट संजीवनी बूटी कहते हैं। जैसे दुनिया में किसी को बेहोश हो जाता है, उसको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं, होश में आता है। तो हमारे लिए क्रोध आता है, आप जानबूझ के नहीं करते हो, नहीं चाहते हो, निकल जाता है, फिर पश्चाताप होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए, निकल गया तो बेहोश में गया ना, तो कौन आपको होश में रखे, जागृत रखे सारा दिन। जो सवेरे सुनी हुई मुरली सवेरे दिन में रात तक सोने तक बार बार अपने को पढ़ाओ तो होश में रहे। अगर ऐसे होश में जागृत रहते हो, कभी भी गुस्सा आएगा नहीं, गुस्सा अपने आप छोड़ के जाएगा। अब बताओ गुस्सा छोड़ने के लिए दवाई बहुत मीठी है कि कड़वा है?